स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कि किस प्रकार से ये जो डिविएशन होता है मेंडल के लॉ से वो किस तरह से होता है। जैसा आपको पता है कि जो पहला जो नियम है इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो एक तरह का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स में। यहाँ पर हम जो एलील की जो बात करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है, तो जो दो पेरेंटल टाइप है उसमें हम देखते हैं कि पूरी तरह से वो प्रभावी नहीं हो पाता है अप्रभावी ट्रेट के ऊपर। तो इस दोनों ही बराबर रूप से प्रभावी नहीं हो पाते हैं, इसलिए इट इज़ अ इनकम्प्लीट टाइप। तो दिस क्रिएट्स अ न्यू फिनोटाइप, एक नए तरह का फिनोटाइप जिसके कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन और जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। बात करें इन एंड आउट शेल इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, जहाँ पर कि कोई भी जीन या उसका एलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है और एक नया ट्रेट या नया ब्रांड वहाँ पे रिजल्ट हो जाता है, एक ब्लेंडिंग होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है दोनों ही पेरेंटल टाइप्स की। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसके कई सारे उदाहरण हमें एनिमल जगत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनिमल साइंसेज में हमें डोमेस्टिक एनिमल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनिमल वेलफेयर में। तो अगर हम देखें कि जब लॉन्ग फर्ड एंगोरा रैबिट की एक प्रजाति है, एंगोरा प्रजाति है, उसके जो लंबे जो बाल होते हैं लॉन्ग फर्ड एंगोरा रैबिट, तो एक पेरेंटल टाइप है। दूसरी तरफ आपके है शॉर्ट फर्ड रेक्स रैबिट, छोटे बाल हैं उसके, प्रजाति कौन सी है रैबिट की, रेक्स। तो एक तरफ पेरेंटल टाइप एंगोरा है, दूसरी तरफ पेरेंटल टाइप रेक्स है। इसके शॉर्ट फर्ड हैं, उसके लॉन्ग फर्ड हैं, जो बाल हैं वो लंबे हैं और जो बाल हैं वो छोटे हैं। अब जब F1 जो जनरेशन होगी उसमें एक रैबिट होगा ऑफस्प्रिंग जिसके कि फर बड़े होंगे, किससे बड़े होंगे, छोटे वाले से, रेक्स प्रजाति से, लेकिन अंगोरा प्रजाति से छोटे होंगे। मतलब एक इंटरमीडिएट अवस्था आ गई, आनी कौन सी चाहिए थी आपकी, डोमिनेंट अवस्था आनी चाहिए थी। तो एक नया तरह का उदाहरण हो गया जिसमें कि डोमिनेंट ट्रेट पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीटली हो पा रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें डॉग्स में देखने को मिलता है कि उनकी जो पूंछ होती है, जो टेल की जो लेंथ होती है उसमें, अगर हम देखें कि लॉन्ग टेल्ड पेरेंट है और शॉर्ट टेल्ड पेरेंट है, तो उसमें से जो पप्स जो निर्मित होंगे F1 जनरेशन में, उनमें मीडियम लंबाई की पूंछ निर्मित होती है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करती है। ऐसा ही अगर हम देखते हैं डॉग्स की एक प्रजाति होती है लैब्राडोर्स, उनमें वेवी हेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरफ, तो अगर उनके स्ट्रेट हेयर्ड पेरेंट हैं या कर्ली हेयर्ड पेरेंट हैं तो उनमें वेवी हेयर निर्मित हो जाते हैं F1 जनरेशन में, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही घोड़ों में हमें देखने को मिलता है क्रीम जीन, जो कि हम देखते हैं कि अगर पेरेंटल टाइप जो है आपके रेड एलील का है, क्रीम एलील प्रोड्यूस करता है गोल्डन कोट्स, पालमिनोज और बक स्किन्स। अब हम बात करें इसी क्रम में कि किस तरह से आपके एंडोल्यूशन जो आपके जो हैन होती है, प्रजाति होती है, उसमें अगर हम पेरेंटल टाइप को देखें कि आपके ब्लैक है यहाँ पे और दूसरी तरफ आपके वाइट है, तो वाइट और जो ब्लैक पेरेंटल टाइप हैं तो उसमें से प्रभावी ब्लैक होता है, लेकिन ब्लैक ना निर्मित होकर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स या चिकन्स ब्लू कलर के निर्मित हो जाते हैं एंडोल्यूशन फॉल्स में। तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करें ह्यूमन बींग्स में किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी स्पीशीज़ जो हैं, मनुष्य की जो स्पीशीज़ हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। इसमें एक होती है फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया FH जिसे हम कहते हैं, इसमें से कि लिवर सेल जो होती हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं। एक एलील क्या करती है, क्योंकि जीन के दो एलील्स होते हैं इसमें, एक एलील क्या कर रही है, लिवर सेल्स को जनरेट कर रही हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी जो एलील है वो कॉज करती है कि कोलेस्ट्रॉल का जनरेशन नॉर्मल हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या F1 होने से F1 जो जनरेशन है उसमें जनरेशन ऑफ सेल्स में इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स नहीं हैं कि वो रिमूव कर सकें डेंजरस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। तो ये एक फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। ऐसे ही एक दूसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसको हम टे सैक्स डिजीज़ कहते हैं।
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है नर्व सेल्स का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशन है जो कि हेक्सा जीन से होता है, जो कि क्रोमोसोम 15 में उपस्थित होती हैं, जो कि कोडिंग करती हैं एक सब यूनिट को जिसको हम हेक्सोसैमिनिडेज एंजाइम कहते हैं, और वो होता है ए प्रकार का। इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का होता है, और जो म्यूटेशन होता है उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है एक्टिविटी एंजाइम की, जिस वजह से बिल्डअप हो जाता है मॉलिक्यूल GM2 गैंग्लियोसाइट कोशिकाओं के अंदर, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए हम मेजर करते हैं ब्लड हेक्सोसैमिनिडेज ए लेवल या जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। ये जो डिजीज़ है एक टाइप है GM2 गैंग्लियोसियोडोसिस, या इसको हम स्पिंजोलिपोडोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके वाहक भी हो सकते हैं पेरेंट्स, और उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन F1 में प्रोड्यूस हो जाती है, जिसमें कि 1/2 ऑफ द नेसेसरी एंजाइम विच इज़ एनफ फॉर ए नॉर्मल लाइफ। तो कैरियर्स की वजह से F1 आपके टे सेक्स डिजीज में डिपिक्ट हो जाता है। इसको हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि ये वाहक हैं। ये जो वाहक हैं यहाँ पे आप क्या देखते हो, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन्स हैं, तो दे आर कैरियर्स। F1 जनरेशन में आप क्या देखोगे, अगर आपके 4 प्रोजेनीज बने हैं तो उसमें जो रेसेसिव ऑटोसोमल होगा, जिसमें वो रेसेसिव होगा, जिसमें कि रेड कलर आपको दिख रहा है इसमें, तो पर्सन इज अफेक्टेड 1 in 4 चांस। तो 1 in 4 चांस में वो अफेक्टेड हो जाएगा, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कितने इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो सकते हैं टे सेक्स डिजीज में। वेवी हेयर्स इन ह्यूमन बींग्स, कर्ली जो हेयर होता है वो प्रभावी ट्रेट होता है मनुष्य में, स्ट्रेट हेयर रेसेसिव होता है। हेट्रोसाइकस स्पीशीज़ में रिजल्टिंग जो फिनोटाइप है उसमें वेवी हेयर्स होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि डिपिक्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही एलील्स का इंटरेक्शन होगा। एक नोवल फिनोटाइप होता है, ना कि वो स्ट्रेट है और ना ही वो कर्ली हेयर्स है। तो अगर हम इसमें कंडीशन में देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो दो इट इज़ 1:2:1, और जो फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो कर्ली, वेवी और स्ट्रेट है। तो इस तरह से आपको फिनोटाइप रेशियो में भी 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो में भी 1:2:1 इसमें आपको देखने को मिलता है। प्लांट्स में भी बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और क्योंकि जब हमें प्लांट्स को यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए, तो मेंडल ने, हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जेनेटिक साइंस, उन्होंने इसको यूज़ किया था स्टडी को प्लांट्स में, जेनेटिक्स की नींव रखी थी। इसी क्रम में सबसे पहले कॉलड्यूटर ने ब्रीड किए थे रेड और वाइट कार्नेशंस, और उनकी जो ऑफस्प्रिंग हुई थी वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वो पिंक हुई इंस्टेड ऑफ रेड। तो कॉलड्यूटर ने क्या फाइंड किया कि कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जर्मन साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिपिक्ट किया था। अब जो इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, मिराबेलस जेलेपा जिसको हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट, तो जो पुष्प होते हैं इसके वो रेड कलर के होते हैं, जो कि प्रभावी है इसके ऊपर वाइट कलर के पुष्प के ऊपर। तो ये पेरेंटल टाइप है। F1 जनरेशन कैसी होगी, R और W दोनों भी आ जाएंगी एलील्स, लेकिन पुष्प कैसा होगा, ना वो लाल होगा ना वो वाइट होगा, वो होगा पिंक कलर का, गुलाबी कलर का। अब क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है R और W, ऐसे ही अब RW को आप क्रॉस कराइए RW से, तो आपको प्राप्त होगी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आप क्या देखोगे, सेग्रीगेशन हो जाएगा गैमिट्स का RW, और यहाँ पे आप क्या देखोगे, निर्मित कितने हुए आपके, 1 red 2 pink 1 white, अर्थात आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आया, 1:2:1। मेंडल का नियम क्या कहता है कि आपका क्या आना चाहिए फिनोटाइप, 3:1 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1:2:1, यू आर गेटिंग 1 red 2 pink and 1 white। तो ये एक प्रकार का डिविएशन हो गया मेंडल के नियम से। इसका महत्व क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि ये जो है हम इसको पेरेंटल टाइप को हम हाइब्रिड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो नया जो फिनोटाइप बना, जैसे कि 4 o'clock प्लांट में बना, पिंक कलर का बन गया, उसको उसकी एलील की कोई आवश्यकता, इट डजंट हैव इट्स ओन एलील, उसकी कोई एलील नहीं है, उसकी एलील वो ही हैं जो पेरेंटल टाइप्स में हैं। अब यहाँ पे जो दोनों जो एलील्स हैं वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है कि जो दोनों ही एलील्स हैं वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील्स की तरह काम कर रहे हैं, और हम इस नए फिनोटाइप को किसी भी कोई नई एलील की आवश्यकता नहीं है,
वो एक नए प्रकार का फिनोटाइप यहाँ पे और जीनोटाइप यहाँ पे डिपिक्ट करता है. तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, विच इज़ अ डिविएशन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.